सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सबुआना हनुमानगढ़ से। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 11वां अध्याय रहीम के दोहे पढ़ेंगे, जिन्हें लिखा है रहीम जी ने। आइए देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। प्यारे बच्चों, रहीम जी कहते हैं रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति होता है धन, कि जब मनुष्य के पास धन होता है तो सभी उसके सगे यानी निकट के मित्र बनना या संबंधी बनना चाहते हैं। बनत बहु, बहुत बहुरीत, मनत यानी जब जिसके पास धन होता है तो उस धनवान मनुष्य के साथ सभी किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई संबंध, बहुरीत यानी अलग अलग तरीक़ों से उसके साथ में कोई न कोई रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, कोई न कोई संबंध बना लेते हैं। लेकिन आगे कह रहे हैं विपत्ति कसोटी जे कसे, विपत्ति शब्द का अर्थ है समस्या, कसौटी होता है परख। हमारा सगा कौन है, हमारा सच्चा मित्र कौन है, सच्चा संबंधी कौन है, इस चीज़ की अगर हमें परख करनी है तो जब मनुष्य पर कोई संकट आता है, समस्या आती है, तो संकट के समय विपत्ति कसौटी जे कसे यानी संकट आने पर जो हमारे साथ खड़ा रहता है तभी उस व्यक्ति की क्या होती है, असली पहचान होती है। तेई सांचे मी, तेई तेई कौन, जो समस्याओं में परेशानियों में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। आगे देखिए, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। जाल परे यानी मछुआरा जब क्या करता है, नदी के अंदर मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, जल जात बही उस समय जल क्या करता है, पानी जो होता है, तजी मीनन को, तजी यानी त्याग करके, मीनन यानी मछली, मो यानी प्रेम, जब मछुआरा पानी में जाल को फेंकता है उस समय पानी जो है वह मछलियों के मोह को, प्रेम को त्याग करके क्या करता है, दूर तक बह जाता है, अर्थात जाल के अंदर पानी नहीं रुकता है। उसी तरह रहीमन मछली नीर को तव न छाड़ती छो, लेकिन जो मछली होती है नीर पानी के मोह को क्या करती है, नहीं छोड़ती है, भी जल उसको छोड़ के चला जाता है लेकिन मछली भी फिर भी क्या करती है, पानी के मोह को नहीं छोड़ती है। उसी तरह रहीम दास जी के माध्यम से हमें यह कहना चाहते हैं कि जब कोई किसी व्यक्ति से स्नेह करता है, प्रेम करता है, तो वह उसके मोह को छोड़ नहीं पाता है, इसके लिए भले उसे अपने प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े। आगे देखिए, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संच ही सुजा। देखो रहीम जी कह रहे हैं तरुवर, तरुवर होता है वृक्ष, फल नहीं खात है, वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, सरवर होता है तालाब, सरवर क्या होता है तालाब, और तालाब कभी खुद के पानी को नहीं पीता है। रहीम जी कहते हैं कही रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं पर काज यानी दूसरों के काम के लिए, हित यानी भलाई के लिए, जिस प्रकार वृक्ष और तालाब, वृक्ष अपने फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता, उसी तरह दूसरों की भलाई करने के लिए संपत्ति संच ही सुजान, सुजान होते हैं सज्जन लोग, संपत्ति यानी धन, उसी तरह दूसरों की भलाई करने के लिए जो सज्जन लोग होते हैं वह क्या करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, अर्थात लोगों की भलाई में वह अपने धन को खर्च करते हैं। जिस तरह वृक्ष और तालाब दूसरों की भलाई के लिए
कार्य करते हैं, उसी तरह सज्जन पुरुष भी क्या करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। आगे देखिए बच्चों, थोथे बादर कवार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे करे पाछली बात। थोथे होता है खाली, बादर यानी बादल, कवार होता है अश्विन का महीना। जो रहीम गहरात, रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार अश्विन माह के जो बादल हैं वो थोथे यानी खाली होते हैं, लेकिन उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, उनमें पानी नहीं होता है। इसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भये, धनी व्यक्ति धनवान व्यक्ति जब क्या हो जाता है, निर्धन यानी गरीब हो जाता है, करे पाछली बात, तो वह क्या करता है, पीछे की बातों को दोहराता रहता है। अर्थात अपने जब जिस समय कभी वो धनवान था तो अपने धनवान होने की जो कहानियां हैं, किस्से हैं, वह लोगों को सुनाता रहता है। आगे देखिए, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। रहीम जी कहते हैं कि धरती की रीत यानी धरती की क्या है, एक रीत है, परंपरा है कि जिस प्रकार जो धरती है वह शीत यानी सर्दी को, घाम यानी गर्मी को, मैं यानी बारिश को क्या करती है, सहन करती रहती है। जैसे परे सो सही रहे यानी सर्दी पड़ती है, सर्दी को बर्दाश्त करती है, गर्मी पड़ती है, गर्मी को बर्दाश्त करती है, और बारिश होती है तो बारिश को बर्दाश्त करती है। त्यों रहीम यह दे, दे यानी क्या होता है, शरीर, दे यानी क्या होता है, शरीर। उसी प्रकार मनुष्य का जो शरीर है वह जैसा भी समय हो, चाहे दुख का हो सुख का हो, वह उसको सहन करता है। धन्यवाद।